44 की भाभी 85 हूँ। क्या मुद्दा लेकर इस बार लोगों के बीच जा रही हैं आप? पहले तो नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना। 44 क्या छाप है आपका? काठ की गाड़ी क्रमांक संख्या 6। क्या लोगों के बीच जा रहे तो क्या रिस्पांस मिल रहा है वार्ड 44 के लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोगों को कहना है कि आपको आने की ज़रूरत है क्योंकि खेमनीचक एरिया बहुत गंदगी में है, डूबी हुई है। अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, इसीलिए जनता को कहना है कि आप आइए 44 में और आपका हम लोग पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जीत रही हैं आप इस बार? हाँ, पूरी तरह जीत रही हूँ। कोई ऐसा काम जो अगर जीत कराते तो सबसे पहले कीजिएगा? मैं पहले करूँगी कि खेमनीचक के पुलिया बहुत ही दयनीय स्थिति है, मैं उसे बनवाऊँगी। बहुत अच्छा भैया के बात, ठीक है। आप प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच मूव कर रहे हैं, क्या चुनाव चिन्ह है आपका, कौन कौन से क्षेत्र में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, निवर्तमान जो वार्ड पार्षद हैं उनके काम से आपकी जनता और आप कितने संतुष्ट हैं बताइए। मैं सुनाल कंचन प्रत्याशी वार्ड 44 के रंजनी जी हैं, उनकी पति हूँ, और वार्ड 44 की जनता को नवरात्रा का हार्दिक शुभकामना पालक दूँगा और सारे पत्रकार बंधुओं जो आए हुए हैं सभी को मैं नवरात्रा का शुभकामना देता हूँ। वार्ड 44 में बहुत सारी समस्या है, ज़्यादा समस्या बाईपास उस साइड है। सबसे पहला समस्या है कि बाईपास से और शहर की खेमनीचक के लोगों को जो आने का रास्ता है वो बहुत डेंजरस है। पहला फ्लाईओवर एक बनना चाहिए। मुख्य मार्ग जो है वो उस पर एक पुलिया है जो इतनी जर्जर स्थिति पे है कि कभी भी बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकती है। मैं जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा कि वो पुलिया का निर्माण कराऊं। आपके वार्ड में नाली की सबसे बड़ी समस्या है? बोले तो कि नाली रोड पे अभी पानी, कल भी पड़ा है पानी, किसी भी रोड में ऐसा नहीं है कि पानी जमा हुआ नहीं है। क्या जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है? पूरा समर्थन है जनता का और भारी मतों से विजयी हो रहा हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निवर्तमान पार्षद ग्रीन वार्ड का दावा करते हैं, पूरे वार्ड को ग्रीन वार्ड बना दिया है, कितना सही माना? ये तो आप लोग भी आए होंगे तो देखे होंगे कितना ग्रीन है, कितना कादो है। अब वो कादो की हैं तो हमको उसमें ग्रीन तो करना ही पड़ेगा, हम अपने करेंगे ग्रीन। तो पांच मुद्दा बताइए, अगर आप आते हैं तो उस पर काम करेंगे। पहला मुद्दा तो पुलिया का मैं बताया ही हूँ। दूसरा, झुग्गी झोपड़ी में जितने भी लोग रह रहे हैं उन लोगों के लिए पक्का मकान का व्यवस्था मैं करूँ। दूसरा, जितने भी फल मंडी सब्जी मंडी हैं उन सभी को पक्का दुकान का व्यवस्था होना चाहिए। तीसरा, एक विद्यार्थी लोगों को पढ़ने के लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए जो वार्ड 44 में कहीं भी नहीं। चौथा, वार्ड 44 में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जो गरीब जनता को कुछ भी फीवर भी होगा तो PMCH ही जाएंगे, चाहे फिर NMCH ही जाएंगे या फिर कहीं पे बाहर ही जाएंगे। तो स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। उसके बाद गरीब बच्चों लोगों के लिए जो स्कूल है भी उसकी स्थिति बहुत जर्जर है, स्कूल की स्थिति जर्जर है, टीचर की स्थिति जर्जर है। यही मुद्दा सब लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं। जल जमाव रोड ये सारे लोग बोलते हैं, वार्ड में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। बोले तो कि बहुत सारी मुद्दा है, कितने मुद्दा को गिनवाएं। खेमनीचक में सरकारी स्कूल है, वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल है भी तो उसकी बिल्डिंग भी तो नहीं है, बच्चे लोग को गार्जियन लोग भेजने से डरते हैं कि वहाँ किस समय बिल्डिंग गिर जाएगी कि बच्चे लोग दब के मरेंगे। जाते जाते आखिरी सवाल, वार्ड 44 की जनता को आप क्या संबोधित करेंगे? दूंगा कि इस बार वो अपना आशीर्वाद और स्नेह और वोट सब कुछ दें और काठ की गाड़ी छाप जो चुनाव चिन्ह मिला है रंजनी जी को उस पर अपना बहुमूल्य वोट देकर उनको विजय बनाएं और अपनी वार्ड को स्वच्छ सुंदर
बनाने का काम। भैया एक मेरे तरफ से, रंजीत जी के तरफ से हार्दिक शुभकामना। और नवरात्रा आ गई है, नवरात्रा चल रही है, सभी लोगों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना।